वेलकम बैक। सो पिछले वीडियो में हमने देखा कि क्या है रेरा, क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, एप्लीकेबिलिटी और एक्सक्लूजन्स या एग्जम्पशंस। अब हम समझेंगे कि क्या है बेनिफिट बिल्डर के लिए या डेवलपर के लिए। जी हाँ, डेवलपर के लिए भी क्या कोई बेनिफिट है और है तो क्या है। साथ ही एक्ट के मेजर हाइलाइट्स को भी हम कवर करेंगे। तो पहले पॉइंट से समझते हैं कि क्या है फायदे डेवलपर को। सो फर्स्ट फायदा जो डेवलपर को ये है कि पेनल्टी का इम्पोजिशन, यानी इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। आप ये सोच रहे होंगे कि पेनल्टी तो पहले भी थी अगर बायर टाइमली पेमेंट नहीं करता था। जी हाँ, पहले भी थी, लेकिन पहले होता क्या था कि बायर टाइमली अगर इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट नहीं करता था, बिल्डर अगर उस पर पेनल्टीज लगाता था, तो कई सारे केसेस में बायर कोर्ट में चला जाता था। कोर्ट में जाने के बाद वो तो इंस्टॉलमेंट भी पे करना रोक देता था और साथ में पेनल्टीज भी नहीं मिलती थी। और एक बार केस कोर्ट में चला गया तो सालों लग जाते थे उसके निपटारे में। सो अब इस रेरा एक्ट के आ जाने की वजह से एक अथॉरिटी, एक अपील ट्रिब्यूनल है जहां आप जाकर के अपने ग्रेवियंसेस या अपने कंसर्न्स को बता सकते हैं और उसका टाइमली रिजोल्यूशन मिलता है, यानी विद इन 6 मंथ आपका रेड्रेसल हो जाता है आपके ग्रेवियंसेस का। सो ये है फायदा डेवलपर के लिए। दूसरा फायदा यह है कि सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी, यानी जो भी डेवलपर या बिल्डर रेरा में रजिस्टर्ड है या उसका प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है बायर का डेवलपर के प्रति। यानी वो जानता है कि उसका डेवलपर है, उसका जो बिल्डर है वो रेरा में रजिस्टर्ड है, यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वॉच कर रही है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल है, कहीं ना कहीं एक्ट के अकॉर्डिंग ही वो एक्ट कर रहा होगा। और रिजल्ट उसका ये होता है कि बेटर मार्केट कंडीशंस होती हैं, एक ट्रस्ट, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स होता है मार्केट में। और इस पॉजिटिव सेंटिमेंट और पॉजिटिव मार्केट कंडीशंस का सीधा फायदा डेवलपर को होता है, उसकी सारी इन्वेंट्री फटाफट यूं निकल जाती है। तो चलिए अब रेरा के मेजर हाइलाइट्स पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि क्या मेजर हाइलाइट्स हैं रेरा एक्ट के। सो पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है बायर्स के फेवर में और जरूर कहीं ना कहीं डेवलपर या बिल्डर्स के लिए मुश्किलात खड़े करने वाला है, और वो ये कि इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी फ्रॉम 5 to 10% एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर ऑन नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ रेरा एक्ट। यानी अगर वो रेरा के एक्ट को कंप्लाई नहीं करता है, सो 5 से 10% ऑफ प्रोजेक्ट वैल्यू, करोड़ों में प्रोजेक्ट वैल्यू होती है, उस प्रोजेक्ट का 10% तक आपको पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। और साथ ही साथ डेवलपर्स या प्रमोटर्स के लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 सालों तक। इतना स्ट्रिंजेंट है ये रेरा एक्ट। इस वजह से अब हो क्या रहा है कि जो बिल्डर्स हैं जिन्हें लगता है कि दिसंबर 19 में भी अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी मार्जिन लेकर के चल रहे हैं, वो दिसंबर 19 का डेट नहीं बता रहे हैं, रेदर 2-3 महीने ऐड करके या मार्च 2020 का डेट दे रहे हैं। उन्हें इस चीज का डर है कि अगर मैं टाइमली पोजेशन नहीं दे पाया किसी भी रीजन से, तो पहली चीज कि मुझे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, दूसरा नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ रेरा होगा और उसका रिजल्टेंट ये हो सकता है कि मुझे प्रोजेक्ट वैल्यू के भी सर्टेन परसेंटेज पेनल्टी के तौर पे देना पड़े और मे भी शायद इम्प्रिजनमेंट वाली सिचुएशन भी आ जाए। सो अब डेवलपर जो भी डेट दे रहा है पोजेशन के लिए वो सोच समझ करके दे रहा है, मार्जिन पीरियड को भी इंक्लूड करके ही वो डेट्स दे रहा है। तीसरा एक मेजर हाईलाइट है वो ये कि अगर आपके 10 प्रोजेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि एक 400 एकड़ का एक मैं सिटी डेवलप कर रहा हूं और जो कि डिफरेंट फेजेस में होगा, तो अगर 10 फेजेस में ये सिटी डेवलप होनी है तो मुझे अपने 10 फेजेस का या 10 फेजेस को प्रोजेक्ट वाइज 10 रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट और वो ये कि विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट बेस्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब इससे पहले क्या होता था कि सिंस रेरा नहीं होता था तो बिल्डर बैंक अकाउंट में पैसे होते थे और अपने हिसाब से, यानी जब दिल किया विड्रॉ किया, जितना दिल किया उतना विड्रॉ किया, फंड किसी और प्रोजेक्ट के थे लगा कहीं और दिया। लेकिन अब रेरा के आ जाने के बाद में प्रिस्क्राइब हो गया कि आप 30% फंड ही सिर्फ फ्री रख सकते हो यूज करने के लिए, रेस्ट 70% फंड आपको डेडिकेटेड अकाउंट्स में डालने पड़ेंगे बैंक अकाउंट में, और उस बैंक अकाउंट से भी आप अपनी मर्जी से नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। रेदर आपको विड्रॉ करने के लिए आपको अपने सीए से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करा के लाने होंगे, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर से कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स लेकर के आने होंगे, आप उन सर्टिफिकेट्स को बैंक में दोगे, बैंक उस चीज को असेस इवैल्यूएट करेगा और उसके बाद में फंड्स को डिसबर्स करेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो ये
कि अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो रेरा के प्रोविजंस की, तो आपका बैंक अकाउंट यानी डेवलपर का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, वो पैसे फ्रीज हो जाएंगे, अब वो फर्दर किसी और प्रोजेक्ट या किसी भी दूसरे काम में इसको यूज नहीं कर पाएगा, इवन प्रोजेक्ट में भी यूज नहीं कर पाएगा। फर्दर कुछ और इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स, सो इंटरेस्ट रेट ऑन डिलेड पोजीशंस वुड बी सेम फॉर डेवलपर एज वेल एज बायर। पहले क्या होता था कि जब बायर डिले करता था तो डेवलपर 20 से 25% तक के इंटरेस्ट रेट लिया करता था, लेकिन पोजीशन में अगर डिले होता था सो 4 से 5% का इंटरेस्ट मिला करता था बायर को। सो अब दोनों के लिए इंटरेस्ट रेट सेम हो गया है, यानी अगर बायर डिले करता है तो भी लेट्स से 12% का रेट अग्री हुआ है, सो अगर बायर डिले करता है तो 12% बायर पे करेगा, और अगर पोजीशन में डिले सेलर या फिर डेवलपर करता है तो वो भी 12% के रेट से ही इंटरेस्ट पे करेगा बायर को। अगला पॉइंट है कि नो फॉल्स कमिटमेंट और एडवर्टीजमेंट, यानी किसी तरीके का फर्जी जिसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट या कमिटमेंट आप क्या करते थे वो अब डीलर या डेवलपर नहीं कर सकता है। अगर किसी तरीके का फॉल्स एडवर्टीजमेंट करता है तो वो रेरा के कंप्लायंसेस का ब्रीच है, एंड अकॉर्डिंगली अगेन जैसा मैंने बताया कि प्रोविजन ये हैं कि 5 से 10% तक का पेनल्टी लग सकता है ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू, और 3 इयर्स की इंप्रिजनमेंट हो सकती है अगर वो फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और वो ये कि बिल्डर्स को या डेवलपर्स को रेरा के वेबसाइट पे जाकर के एक पेज क्रिएट करना होता है, वहां पे उन्हें स्टेटस सबमिट करना होता है, इन्वेंट्री का डिटेल देना होता है, पिछले 5 साल के आपके प्रोजेक्ट्स क्या थे, किन किन का टाइमली डिलीवरी हुआ, किन किन का पोजीशन ऑन टाइम रहा, किन का डिले रहा तो क्या रीजन रहा, ये तमाम चीजें पिछले 5 साल के रिकॉर्ड आपको रेरा के वेबसाइट पे मेंशन करनी होती है। तो ये बायर के लिए अगेन एक एडवांटेजियस पोजीशन हो जाता है, बायर समझ पाता है कि उसका डेवलपर या उसका जो बिल्डर है वो कितना रेनाउंड है, कितना ट्रस्टवर्दी है, पिछले 5 साल के उसके ट्रैक रिकॉर्ड्स देख सकता है और उसके बेसिस पे अपना डिसीजन कर सकता है। चलिए एक और हाईलाइट कवर कर लेते हैं और वो ये कि प्रॉपर्टी की वैल्यू और लैंड की वैल्यू का इंश्योरेंस होना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर एक प्रॉपर्टी एक लैंड को लेकर के बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर देता है, आगे फर्दर बायर्स को बेच देता है और कुछ सालों बाद उस लैंड के टाइटल के लिए डिस्प्यूट निकल करके आ जाता है। सो ऐसे सिचुएशन में जो नया क्लेमेंट है अगर वो केस जीत जाता है तो जितने सेलर हैं उनके सारे के सारे पैसे बेकार चले जाएंगे। तो इन सारी चीजों को कंसीडर करने के लिए लॉ में ये प्रोविजन है, रेरा एक्ट में ये प्रोविजन है कि आप कंस्ट्रक्शन वाली लैंड और कंस्ट्रक्शन साइट का इंश्योरेंस कराएंगे कि इन केस कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, कोई नया क्लेमेंट आता है प्रॉपर्टी को क्लेम करता है और अगर सच में वो रियल ओनर है तो ऐसे सिचुएशंस में बायर को कॉम्पनसेट करेगी इंश्योरेंस कंपनी। तो ये तमाम मेजर हाईलाइट्स थे रेरा के, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम अपने आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। आपके मन में कोई शक सुबह सवाल आते या कोई कंसर्न है रेरा एक्ट के रिगार्डिंग तो आप डेफिनेटली हमें मेल कर सकते हैं, वी विल रिप्लाई ऑन दैट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आप फ्यूचर वीडियो के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, हम अवेलेबल है Amazon Fire TV, Android TV, YouTube एंड ऑफकोर्स हमारा वेब पोर्टल तो है ही। तो जब तक हम किसी और नए वीडियो के साथ आते हैं तब तक आप यूं ही कमाते रहें, बचाते रहें और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें। थैंक यू।